दोस्तों स्वागत है आप सभी का दास का कंप्यूटर में। मेरा नाम देश राज। आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको दोस्तों कि जैसे कि श्रम कार्ड सभी लोगों ने बनवाया, तो जब श्रम कार्ड चल रहा था, श्रम कार्ड बन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत कैंप लगा करके श्रम कार्ड बनवाया था। लेकिन क्या हुआ कि श्रम कार्ड का जो पैसा है, जो सभी को पैसा आ रहा था संगठित क्षेत्र मजदूर के लिए, जो यानी कि भरण पोषण भत्ता है, वो कैसे चेक करेंगे आपकी आपका पैसा क्यों नहीं आया है। अगर आपका पैसा आ रहा है तो आपने देखा होगा कि आपका पैसा जो हज़ार पहले सबसे पहले किस्त 1000 आई थी, उसके बाद में 500 आई थी, उसके बाद तीसरी किस्त जो है फिर 500 आई थी, यानी कि आपका टोटल 2000 रुपये आ चुका है जिस खाते में आया है। जिस खाते में नहीं आया दोस्तों, वो कैसे चेक करेंगे कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया है। अगर आपका आधार जो है बैंक से लिंक है फिर भी आपका पैसा नहीं आया है, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं आपको सही जानकारी भी सही सटीक बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं और कैसे क्या प्रोसीजर होगा आपको इस चेक करने का। चेक करके आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। अगर आपका पैसा आया है और वहाँ से रुका हुआ है, आपके खाते में नहीं पहुँचा है, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। गूगल पे सबसे पहले आपको आना है, यानी कि आपको सर्च करना है UPSSB। UPSSB मतलब एक वेबसाइट है जो कि UPSSB.in है। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपको बस सिंपली क्या करना है, जाना है, बस खोलना है। खोलने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। अगर आप मोबाइल में भी खोलेंगे तब भी आपको बराबर दिखाई देगा। आपको बस खोलना है। खोलने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है भरण पोषण भत्ता योजना, जहाँ पे आपको दिखाई देगा भरण पोषण भत्ता योजना, उस पर आपको बस क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों वही नंबर डालना है जिस नंबर से आपने अपना श्रम कार्ड बनवाया था। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नंबर इसमें डाल देता हूँ, डाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाला, डालने के बाद बस आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जितना भी पैसा आपका आया होगा वो यहाँ पे प्रोसीजर में शो करेगा, आपका एड्रेस क्या होगा और आपका पिताजी का नाम क्या होगा, प्लस आपका मोबाइल नंबर क्या है। उसके साथ साथ में आपको सक्सेस हुआ है या फेलवर हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। तो देखिए, जब आप नंबर डालेंगे अपना और अगर आपका सक्सेस दिखा रहा है तो समझ लीजिए आपका पेमेंट आ चुका है। मेरा यहाँ पे जो है पेमेंट जो आया है वो 2000 रुपये आया, लेकिन यहाँ पे 1000 शो कर रहा है, वो अभी अपडेट होना बाकी है। तो ये अपडेट होकर के यहाँ पे शो कर जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, किसी किसी नंबर में अलग शो कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर और सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने इस नंबर को सर्च किया, सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तो देखा रहा है कि आपका पेमेंट जो है रिलीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे फेलवर हो गया है, सक्सेस नहीं हुआ है। उसका रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, आधार नंबर डज नॉट मैप्ड इन, मतलब कि IIN से आपका जो आधार है वो मैप्ड नहीं। दोस्तों जब आपको ये सिचुएशन दिखाई दे कि यहाँ पे आपका आधार जो है मैप्ड नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि आपका पेमेंट तो रिलीज हुआ है लेकिन आपको जितनी भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बस बेसिकली आपको ये जाना है, अपने पहले अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराना है, यानी कि अपने आधार मोबाइल नंबर लिंक कराना है। लिंक कराने के बाद दोस्तों अपनी बैंक में जाना है, वहाँ पर जाके अपनी जो है आधार को अपने NPCI बैंक से आपको लिंक कराना है। वहाँ पर बोलना है उनको कि आप जो है हमारी बैंक को NPCI से लिंक कर दीजिए, ताकि हमारा जो पैसा है वो डायरेक्टली हमारे बेनिफिट हमारे जो है बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सके। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के रिलेटेड जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले मिले, सबसे आप जान सकें कि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट वैकेंसीज़ या फिर गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं वो उसमें कैसे काम करना है या कैसे आपको उसमें अपना फॉर्म भरवाना है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत